नगर निगम द्वारा महानगर में डेंगू और कोरोना की रोकथाम के लिए वृहद सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग महाअभियान का शुरुआत किया गया, जिसके तहत मंगलवार को नगर निगम परिसर से 35 सैनिटाइजेशन मशीनों से युक्त गाड़ियां एवं फॉगिंग लगी साइकिल और गाड़ियों को महापौर सीताराम जायसवाल एवं नगर आयुक्त अविनाश सिंह, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, अपर नगर आयुक्त राधेश्याम सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर 70 वार्डों में रवाना किया गया। इस मौके पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि एक सप्ताह तक चलने वाले विशेष सैनिटाइजेशन और फॉगिंग महाअभियान के तहत महानगर वासियों को किसी भी प्रकार की मच्छर जनित, जल जनित एवं संक्रमण से होने वाले बीमारियों से बचाने के लिए नगर निगम कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नगर निगम विविध उपायों से महानगर वासियों को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहा है। महानगर वासियों से अपील है कि स्वयं भी सफाई का ध्यान रखें, कहीं भी पानी आदि इकट्ठा ना होने दें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से गोरखपुर जनपद में बहुत ही भारी अतिवृष्टि का सामना करना पड़ा है और आज की तारीख में नगर निगम के जितने भी वार्ड हैं, जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, उसमें अब 98% जगहों पे पानी एकदम निकल चुका है। अभी लेकिन कुछ जगहों पे पानी बचा है। जहाँ पानी निकल गया है और जहाँ पानी बचा है वहाँ पर संचारी रोग एक जो उसके फैलने की एक संभावना है उसी को रोकने के उद्देश्य से आज से लेकर अगले 7 दिनों तक पूरे शहर के हमारे जो 70 वार्ड हैं उन 70 वार्डों को हम पूरी तरह से सैनिटाइज करेंगे, एंटी लार्वा का छिड़काव करेंगे, फॉगिंग करेंगे और मेलेंथियन और चूने का जो घोल है हर जगह पे डाला जाएगा। तो ये सैनिटाइजेशन का महाअभियान है और निश्चित रूप से इस अभियान के माध्यम से हम लोग संचारी रोग को पूरी तरह से कंट्रोल करने में, उसकी जो चेन है उसको ब्रेक करने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे।